और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान में। मैं प्रीति नेगी आपके साथ सीधा रुक कर लेते हैं न्यूज रूम का, जहां पर रितिका के पास बड़ी खबर है। रितिका, क्या खबर? बिल्कुल प्रीति, इस वक्त बड़ी खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शेख मुजीबुर रहमान को श्रद्धांजलि दी, उन्हें नमन किया। पीएम मोदी ने आज श्रद्धांजलि अर्पित की। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दो दिवसीय दौरा जो कि राजनीतिक और कूटनीतिक लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और पीएम मोदी के साथ इस वक्त पीएम शेख हसीना भी मौजूद थी। इस वक्त जब उन्हें नमन किया गया, ये देखिए अब अपना संदेश लिखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने शेख मुजीबुर रहमान को श्रद्धांजलि अर्पित की, और अब इस विजिटर बुक में अपना संदेश लिखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके साथ बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भी मौजूद हैं। और आज देखिए जो दूसरे दिन के दौरे की शुरुआत हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये देखिए पौधारोपण करते हुए भी नजर आ रहे हैं। इस पेड़ को पानी दिया पीएम मोदी ने, और कल भी पौधारोपण किया गया था पीएम मोदी की तरफ से, और ये अद्भुत तस्वीरें प्रधानमंत्री मोदी की। और आज अपने दौरे के दूसरे दिन किस तरीके से मथुरा समाज के लोगों को प्रभावित करते हैं, क्योंकि ये सीधी तस्वीरें इम्पैक्ट डालेगी बंगाल के चुनाव पर। 5 जिलों की 30 सीटों पर चुनाव होना है, जिसमें निर्णायक भूमिका में है मथुरा समाज। 70 सीटों पर सीधा असर होता है इस समाज का। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब मथुरा समाज के लोगों से मुखातिब होंगे, क्या कुछ कहते हैं, क्या कुछ बड़ी घोषणा करते हैं, क्योंकि जानकारी ये भी मिल रही है कि दोनों देशों के बीच पैसेंजर ट्रेन को हरी झंडी भी पीएम मोदी दिखा सकते हैं। लेकिन फिलहाल पौधारोपण करने के बाद पीएम शेख हसीना से वार्तालाप करते हुए, उनसे बात करते हुए, और ये बेहद खूबसूरत तस्वीर, क्योंकि 50 साल पूरे हो चुके हैं बांग्लादेश को आज़ाद हुए, और इन 50 सालों में दोनों देशों के जो रिश्ते हैं वो प्रगाढ़ होते हुए नजर आए हैं हर सेक्टर में। और ऐसे में ये चीज़ भी देखने वाली बहुत दिलचस्प है कि भारत की भूमिका भी बहुत खास हो जाती है बांग्लादेश को एक स्वतंत्र देश बनाने में, और पूरी दुनिया जानती है कि बांग्लादेश के साथ भारत हर लिहाज से खड़ा रहा है। और अब जब इसका सीधा सीधा असर बंगाल के चुनाव पर पड़ेगा, तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा ये राजनीतिक लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये सीधी लाइव तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं बांग्लादेश के तुंगीपारा से। ये दो तस्वीरें आप देखिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे, किस तरीके की तैयारियां वहां पर की गई थी, और हर एक कार्यक्रम में खुद बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना उनके साथ मौजूद रही। दूसरी तस्वीर आप देखिए, पौधारोपण करते हुए नजर आए पीएम मोदी, और अब कुछ ही देर में मथुरा समाज के मंदिर भी पहुंचेंगे। वहां पर जो 300 लोग पिछले कई सालों से इस मंदिर में रह रहे हैं, उन लोगों से मुखातिब होंगे, क्या कुछ कहते हैं, इस पर सभी की नजरें बनी हुई हैं। लेकिन ये खासियत रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कि जब भी वो अलग अलग देशों का दौरा करते हैं तो वहां के ऐतिहासिक मंदिरों में जाते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। इससे पहले माँ काली मंदिर पहुंचे थे, जो कि 51 शक्तिपीठों में से एक है, और वहां पर पीएम मोदी यही कामना करते हुए नजर आए कि पूरी दुनिया को इस बार कोरोना से मुक्त करा दिया जाए, क्योंकि अभी देखिए कोरोना अपने चरम पर है, दूसरी लहर, जिसके बाद लगातार मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन मां से जब आशीर्वाद लिया, कामना की, तो यही की कि सभी लोग सुरक्षित रहे। और अब फिलहाल पीएम मोदी की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, पौधारोपण करते हुए पीएम मोदी, और एक बड़ा संदेश इसके जरिए पीएम मोदी देते हुए नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें कि यहां से सीधा मथुरा समाज के मंदिर भी पहुंचेंगे पीएम मोदी, और आज ये दौरा खत्म ही होगा, दो दिवसीय दौरा। पहले दिन पूरा का पूरा जो कार्यक्रम रहा वो राजनीतिक लिहाज से बेहद अहम रहा, लेकिन आज जो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, उसका सीधा इम्पैक्ट बंगाल के चुनाव पर पड़ेगा। मथुरा समाज, जिसको रिझाने की कोशिश हर एक राजनीतिक दल करता रहा है, चाहे वो टीएमसी हो, लेफ्ट हो, या फिर कांग्रेस हो, लेकिन बीजेपी की कोशिश यही है कि इस समाज के लोगों को अगर बीजेपी के पाले में ला खड़ा कर दिया जाए, तो ऐसे में बीजेपी का प्रदर्शन इस बार शानदार रहेगा। क्योंकि अक्सर आपने देखा कि अलग अलग प्रोग्राम्स बीजेपी के दिग्गज नेताओं के होते थे, चाहे वो रैली हो, रोड शो हो, उन्हीं प्रोग्राम्स के बीच में चाहे अमित शाह हो, रक्षा मंत्री हो, या फिर इसके अलावा कोई और बड़ा चेहरा हो, वो मथुरा समाज के
लोगों के घर जाते थे, उनसे मुलाकात करते थे, भोज करते थे, और आज जब एक तरफ लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, अपना मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ पैरेलली पीएम मोदी एक बड़ा संदेश मतुआ समाज को देने की भी कोशिश करेंगे। और अब जो लगातार तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, चाहे वो अलग अलग कार्यक्रम में जाकर वहां पर शिरकत करने वाली बात हो या फिर पौधारोपण की बात हो, ऐसे में अब सवाल ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या एक तीर से कई निशाने साधते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि विपक्ष लगातार ये आरोप लगाता रहा है कि पीएम मोदी का जो पूरा इवेंट है, जो उनके प्लान है, वो इस लिहाज से तैयार किए जाते हैं कि इससे सीधा सीधा इलेक्शन पर प्रभाव पड़े। हालांकि पीएम मोदी का ये दौरा पहले से ही प्लान था, कोरोना की वजह से पहले ये दौरा टाल दिया गया था, लेकिन अब जाकर ये दो दिवसीय दौरा जिसकी शुरुआत कल से हुई और आज ये आखिरी दिन है, और अब फिलहाल पीएम मोदी का अगला कार्यक्रम जो है वो गोपालगंज में स्थित मतुआ समाज के मंदिर में जाने का है। वहां पर 300 लोगों की जो आबादी वहां पर इस मंदिर में रहती है, वो बेसब्री से इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कर रहे हैं, तैयारियां पूरी कर ली गई है और सभी की नजरें हैं कि क्या आज बड़ी घोषणा मतुआ समाज के लिए पीएम मोदी कर सकते हैं, क्योंकि लगातार ये सवाल उठ रहे हैं मथुआ समाज, समझे मथुआ समाज आखिर क्या है, अनुसूचित जाति का 50% ये माना जाता है, और ऐसे में अगर इस समुदाय को साध लिया तो फिर ऐसे में बीजेपी की राह आसान होती हुई दिखेगी। इसी वजह से एक एक वर्ग, एक एक समुदाय को साधने की कोशिश बीजेपी की तरफ से है और मैनिफेस्टो में भी इस बात का जिक्र किया गया है। देखिए CAA, क्योंकि एक बड़ा मसला मतुआ समाज को लेकर भी है, क्योंकि लगातार वहां पर नागरिकता को लेकर सवाल उठता रहा है, और ये अलग अलग तस्वीरें फिलहाल देखिए, अलग अलग तस्वीरें बांग्लादेश में मोदी की भक्ति किस तरीके की निकलकर सामने आती है, क्योंकि अक्सर जब भी पीएम मोदी अपना दौरा करते हैं तो वहां के ऐतिहासिक मंदिर का दौरा जरूर करते हैं। इससे पहले मंदिर में मोदी के जयकारे सुनाई दिए, स्वर्ण मुकुट चढ़ाया माँ काली को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में, और फिर उसके बाद मंदिर में ध्यान लगाते हुए भी नजर आए।